2022 को लेकर सभी विभागों ने अपना अपना विजन तैयार किया कि आखिर 2022 में किस तरह की उपलब्धि हासिल की जाएगी। राजधानी भोपाल भी इससे छूटी नहीं है, भोपाल का भी विजन बनकर तैयार है। 2022 में दिसंबर तक क्या क्या डेवलपमेंट किया जाएगा, इसको लेकर सभी विभागों ने अपना विजन तैयार कर लिया है। राजधानी भोपाल को लेकर भी विजन तैयार किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के चीजों को सम्मिलित किया गया है। इस बार भोपाल का जो विजन तैयार हुआ है, उसके चलते शहर को 2022 में टूरिस्ट के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकेगा, तो वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की माने तो शहर में फ्लाईओवर और ब्रिज के काम चल रहे हैं, उन्हें भी पूरा कर विजन को सफल बनाया जाएगा। देखिए, विजन की जहाँ तक बात करें, वहाँ हर विभाग ने अपना अलग अलग विजन तैयार किया है। इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, चाहे वो रोजगार के अवसर प्रदान करना हो, चाहे भोपाल में टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, भोपाल के जो फ्लाईओवर्स और ब्रिजेस बनने की बात है, उनको भी सबको सम्मिलित किया गया है। इस तरह से सभी एक्टिविटीज को सम्मिलित करके एक विजन भोपाल के लिए तैयार किया गया। राजधानी भोपाल में ऐसे कई काम हैं जो चल रहे हैं, चाहे वो मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर ब्रिज या फिर फ्लाईओवर का काम हो। इसके अलावा झीलों की नगरी होने के चलते टूरिज्म को बढ़ावा भी आसानी से यहां दिया जा सकता है, और शायद यही वजह है कि शहर का जो विजन तैयार हुआ है, उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखा गया है। 2022 के अंतिम माह दिसंबर तक शहर को क्या क्या नया मिलेगा, क्या खास होगा, रोजगार के अवसर किस तरह से प्रदान किए जाएंगे, पर्यटन को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा और शहर के डेवलपमेंट पर किस प्रकार से जोर दिया जाएगा, इसको लेकर विजन तैयार हो चुका है और कार्य भी उस पर शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि शहर में लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे में जो नया विजन बनकर आया है, देखना होगा कि उससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाले शहरवासियों को कितना फायदा मिलेगा। वीडियो लिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।